वेलकम बैक गाइस ऑन ब्यूटी एंड हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एलोवेरा से बना हुआ सॉप। एलोवेरा से बना हुआ ये साबुन आपकी स्किन की हर समस्याओं का इलाज है। इसको आप खुद एक महीने यूज़ करके देखें, आपको आपकी समस्याएं जितनी भी हैं, वो चाहे झाइयाँ हो, पिंपल्स हों, एक्ने हो, फुंसी हो, उनके दाग धब्बे हों, आपकी स्किन पर रिंकल्स आ रहे हों, पिगमेंटेशन हो, एजिंग की प्रॉब्लम, आपकी स्किन की हर तरह की समस्या का इलाज है एक ही एलोवेरा से बना हुआ सॉप। इसे आप डेली यूज़ करें और खुद अंतर देखें एक महीने में। इसके लिए आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ चाहिए जिससे आप घर पर ये सॉप 5 से 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एलोवेरा। आपके पास अगर एलोवेरा ना हो तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एलोवेरा लिया है, उनकी पत्तियों को थोड़ी देर रख दिया जिससे ये पीला कलर का जो लैटेक्स है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि ये जो लैटेक्स है ना येलो कलर का, ये हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता और इसके आने से हमें पिंपल्स और एक्ने आ जाएंगे, तो इसे हमें साफ़ करना रहता है। तो थोड़ी देर रखने के बाद ये लैटेक्स निकल जाएगा। इसके बाद आपको अच्छे से इन पत्तियों को वॉश कर लेना है। देखिए मैंने पूरी वॉश कर ली है, वॉश करने के बाद ये अच्छे से पूरी साफ़ हो चुकी है। अब इसके बाद हम इनकी पत्तियों से एलोवेरा का जो पल्प है इनके अंदर वो निकाल लेंगे। आप घर पर रोज़ एक एक पत्ती का ही निकाल सकते हैं। इस एलोवेरा को एक साथ भी अगर आप निकालेंगे तो इसलिए आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने एलोवेरा जेल या पल्प निकाल लिया है, देखिए पूरा रेडी है। अब इस पल्प को हम मिक्सर में पीस लेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करने से क्या होगा, ये हमें पेस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है आपको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना वाटर होता है कि हमें ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। और एलोवेरा आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे हमारी स्किन हाइड्रेट होती है, स्किन के दाग धब्बे झाइयाँ झुर्रियाँ सब खत्म हो जाती हैं। आप एलोवेरा को बाल में भी यूज़ कर सकते हैं, बालों के लिए भी एलोवेरा बहुत फ़ायदेमंद है। बालों को सिल्की साइनी बनाता है, डैंड्रफ हटाता है, स्कैल्प में अगर इचिंग हो रही है, खुजान चलती है, वो भी हटाता है। एलोवेरा के अनगिनत फ़ायदे हैं जो कि आप जानते हैं। एलोवेरा मैंने यहाँ निकाल लिया है, झाग है, झाग थोड़ी देर में हटे जब तक हम क्या करेंगे, साबुन का बेस काट लेंगे। ये बेस मैंने अमेजोन से बुलाया है, सिंपल ट्रांसपेरेंट बेस मंगाया है। आप इसकी जगह कोई भी फ्लेवर का बेस मंगा सकते हैं, जैसे कि गॉट का मिल्क का भी बेस आता है। ये मैंने आधा किलो लगभग मंगाया था, आधा किलो में बहुत आ जाता है, थोड़े से आधा किलो में लगभग मतलब 15 साबुन बन जाएंगे, तो आप कम ही मंगाएं इजीली। और अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में जो भी साबुन है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ मिक्सचर रेडी करेंगे। हम यहाँ पे 4 से 5 स्पून ले रहे हैं एलोवेरा की, एलोवेरा पल्प की। एलोवेरा पल्प लेने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। आपके पास बादाम का तेल ना हो तो आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड करूँगी पुदीना की पत्तियाँ। आप इसके ऑप्शन में तुलसी की पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई जो होता है वो हमारी स्किन को रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम है सबको रिपेयर कर देता है विटामिन ई। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी स्किन की दाग धब्बे हटाता है और स्किन को ईजिली रिपेयर करने का काम करता है। स्किन की इंपॉर्टेंस में अगर कोई विटामिन है तो वो विटामिन ई होता है। तो यहाँ हमने 2 कैप्सूल यूज़ किए हैं विटामिन ई के। आप चाहें तो इस मिक्सचर में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लेमन, नींबू का थोड़ा सा रस, चाहें शहद चाहें तो शहद ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है आप क्या क्या मिक्सचर में ऐड करना चाहते हैं। तो मिक्सचर आपको अच्छे से मिला लेना है जिससे ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाए। यहाँ पे हमने पानी रख दिया था गर्म होने। अब डबल बॉयलर मेथड से हम बेस को पिघला लेंगे। अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप घर में जो भी साबुन है उसको अपने ग्राइंडर या किसनी में किस लें और किसने के बाद फिर ऐसे पिघला लें डबल बॉयलर मेथड से। रेड वाइन का भी बेस आता है, जो बेस आप चाहें वो मंगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पर घर पे बने हुए साबुन जो होते हैं उनका पीएच लेवल कम होता है, जिससे आपकी स्किन में जो भी साबुन लगाने के बाद ड्राइनेस होती है, रूखी स्किन होती है, वो नहीं होगी। तो आप घर पर बनाए साबुन यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम पॉल्यूशन में बाहर जाते हैं, मार्केट भी जरा गए तो इतना पॉल्यूशन है आजकल कि स्किन डल नज़र आने लगती है थोड़ी ही देर में। तो जो मिक्सचर है अब हम उसको पूरा हमारे सॉप बेस में मिला देंगे। अभी ठंड चल रही है तो सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, बहुत जल्दी से जमने लगते हैं, तो हमें तुरंत मिला के इस मिक्सचर को मिक्स करना पड़ेगा। गर्मी में इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन ठंड में ये जमने लगता है। इसको हम अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। पूरा मिक्सचर रेडी होने के बाद आप इसमें चाहें तो कुछ ऐड करना चाहें ऊपर से तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 से 4 ड्रॉप टी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ
फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए। आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लेवेंडर ऑयल हुआ, जो भी आपकी ऑप्शन है। आप यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ पेटल्स भी फायदेमंद होती है हमारी स्किन के लिए। अब मैंने मोल्ड लिया है और इस मिक्सचर को मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप चाहें, आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का डब्बा लें, उसमें आजू बाजू तेल लगाएं और फिर ये इसको ट्रांसफ़र कर दें। इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में 1 से 1.5 घंटे में ही ये जम जाएगा। वैसे ठंड है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर भी छोड़ते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में ये जम जाएगा, लेकिन हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया है। तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। देखिए, जरा से साबुन के बेस से मेरे 3 साबुन लगभग रेडी हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा भी यूज़ करती तो ईज़िली बहुत दिन पूर जाएगा मुझे। ये 3 साबुन ही मुझे 1 से 1.5 महीने हो जाएंगे। तो देखिए, सब रेडी है, फ्रीज़र में से मैंने निकाल लिए हैं और ये मैं आपको निकाल के बता रही हूँ कि कैसे हमारे साबुन बने। तो कैसे लगे आपको होममेड साबुन? घर पे ईज़िली 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे और आपकी स्किन की हर समस्या को ख़त्म भी कर देंगे। आपको सिर्फ 1 महीने यूज़ करके देखना है और हमें बताना है कमेंट करके कि कैसे लगे आपको। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम ऐसे ही ब्यूटी टिप्स के लिए आपके साथ मिलते रहें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।